नई टेक्नोलॉजी अपने साथ अच्छाई और बुराई दोनों को लेकर आती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वायरल पोस्ट के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बहुत ज़्यादा चर्चे में, कहा जा रहा है कि ये लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन न्यू रिसर्च के मुताबिक एप्स दैट यूजेस AI टू अंड्रेस पीपल इन फोटोज आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। ऐप्स में जो प्रोग्राम्स यूज किया जाता है वो किसी के भी फोटोज या वीडियोस को मैनिपुलेट करती है विदाउट एनी कंसर्न एंड मेक देम अपीयर न्यूड। और बहुत से ऐसे न्यूडिफाइंग ऐप्स है दैट ओनली वर्क्स ऑन वुमेन। सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म ग्राफिका के मुताबिक 34 ऐसी कंपनीज है जो ये सर्विसेज ऑफर करती है। इन सर्विसेज को इन्होंने एक नाम देकर रखा है NCII, नॉन कॉन्सेंशुअल इंटीमेट इमेजरी। इनमें से एक कंपनी का तो ऐड कुछ इस तरह चलता है, अंड्रेस एनी गर्ल यू वॉन्ट। इन्होंने ये भी पता लगाया कि इन कंपनीज के जो वेबसाइट्स हैं उनमें सिर्फ सितंबर 2023 में कुल मिलाकर 24 मिलियन यूनिक विजिटर्स ने विजिट किया। पिछले साल तक इस वर्चुअल अनड्रेसिंग इंडस्ट्री का कोई वजूद नहीं था। अवेलेबिलिटी ऑफ ओपन सोर्स AI इमेज डिफ्यूजन मॉडल्स जो कि डीप लर्निंग यूज करती है, इसने उस प्रोसेस को आसान कर दिया है जहाँ पे फोटोज को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसकी वजह से न्यू एप्स और न्यू वेबसाइट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये लोग जो NCII प्रोवाइडर्स है जो ऐसी AI सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये लोग एक फुल्ली फ्लेज्ड ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं, जहाँ पर ये लोग सेम मार्केटिंग टैक्टिक्स और सेम मोनेटाइजेशन टूल्स जैसे कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करता है वो टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करना, कस्टमर रेफरल स्कीम का एक सिस्टम बनाना या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजीज को यूज करना। ये लोग हर एक चीज को बकायदा एक सिस्टम की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। न्यूड फोटोज शेयर्ड ऑन द वेब विदाउट एनी कंसर्न आर नथिंग न्यू। 2018 में एक हैकर को 8 महीने का जेल हुआ था जब उसने एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस और बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज के नेकेड फोटोग्राफ्स को इंटरनेट पर पब्लिकली शेयर किया था। उस वक्त लॉरेंस ने इस फोटोग्राफ हैकिंग को सेक्स क्राइम का टैग दिया था। और आज 2023 में ऐसे फोटोज एक क्लिक में हो जाते हैं और फिर पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये फोटोज असली है या फैब्रिकेटेड। 6 नवंबर में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल, जिसमें कि देखा गया था कि एक औरत जो कि रश्मिका मंदाना की तरह दिख रही है वो लिफ्ट में एंटर करती है एक ब्लैक स्विम सूट पहनकर। फिर जैसे ही वो वीडियो अपलोड हुआ इतनी जल्दी वो वायरल होने लगा कि सोशल मीडिया यूजर्स ही सामने से आकर बताने लगे कि ये एक डीप फेक वीडियो है। बाद में जांच पड़ताल से पता चला कि 4 सस्पेक्ट है और 4 में से 3 सस्पेक्ट की इन्फॉर्मेशन मेटा ने उन्हें दिया। मेटा वो कंपनी जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को ओन करती है। हैरानी की बात तो ये है कि उस 4 में से चारों के चारों सिर्फ अपलोडर्स थे, मतलब कि उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर उस वीडियो को अपलोड किया था, क्रिएटर तो कोई और ही थे जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। शर्म की बात तो ये है कि ये कंपनीज जो प्रोग्राम्स यूज करती है, दिस प्रोग्राम्स आर बीइंग यूज्ड टू न्यूडिफाई माइनर्स आल्सो। AI जनरेटेड नेकेड इमेजेस ऑफ 20 यंग गर्ल्स इन स्पेन वेर अनकवर्ड इन सेप्टेम्बर। और ज़्यादातर पिक्चर्स उन लड़कियों के इंस्टाग्राम के अकाउंट्स में से लिए गए थे जो कि ठीक ठाक। उसके बाद फिर एक AI पावर्ड ऐप को यूज़ करके उन्होंने उस फोटोज़ को अल्टरनेट किया और उसके बाद फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया। लॉ इन्फोर्समेंट ने डिस्कवर्ड किया कि वो जो सस्पेक्ट्स है वो फेलो टीनेजर्स हैं, जिसकी वजह से उस केस को उन्हें जुवेनाइल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में हैंडओवर कर दिया गया। इसे ये समझ में आता है कि ये सिर्फ उन लोगों की ज़िंदगी नहीं तबाह करती जो कि इसका शिकार बनते, बल्कि उनकी भी ज़िंदगी तबाह करती है जो कि इसका शिकार ही बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे केसेस सिर्फ जगहों पर सीमित नहीं रहती है, यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे बहुत से इंसिडेंट आए हुए हैं जिसमें पता चला है कि AI जेनरेटेड न्यूड इमेज के जरिए से लोग बुलिंग और हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्किगो में एक डिस्ट्रेसिंग केस के बारे में पता चला। वहाँ के लोकल पुलिस का यह कहना था कि बहुत सारी मिडल एज्ड गर्ल्स स्नैपचैट पर एक लड़के से बात किया करती थी ये सोच कर कि वो 15 साल का लड़का है, और फिर वहाँ पर इमेजेस शेयर करने लगती थी। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति 33 साल इंसान है। वो उन लड़कियों को मजबूर करता था एक्सप्लिसिट फोटोज भेजने के लिए, ये धमकी देते हुए कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उनके नॉर्मल फोटोज को AI की मदद से मैनिपुलेट करके सेक्सुअल कंटेंट बना देंगे और फिर
उनके रिश्तेदारों, जान पहचान लोगों के बीच शेयर कर देंगे, ऐसी ऐसी धमकी दिया करता था। जब ऐसे केसेस बढ़ने लगे तो FBI ने भी एक वार्निंग इशू किया और फिर बड़े बड़े लोगों ने भी अपनी तरफ से जो भी हो सकते थे वो स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। एलन मस्क जो कि अभी एक्स के इंचार्ज हैं, जो पहले कभी ट्विटर था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी इंस्टेड ऑफ फेक अकाउंट्स को एनालाइज करने। डिस्पाइट द न्यू फोकस, बैड कंटेंट इन्वॉल्विंग किड्स इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम ऑन एक्स प्लेटफॉर्म। 2023 में ऐसे ऐप्स जो कि एंड्रेसिंग पीपल वाले सर्विसेज पर बिलीव करती है, उस पर काम करती है, उनका लिंक शेयर 2400% हाई था और ज़्यादातर ये चीज़ एक्स और रेडिट पर की जा रही थी शेयर। गूगल ने इस पर कहा कि दे डोंट अलाउ एक्सप्लिसिट एड्स रिलेटेड टू दीज थिंग्स, बट यूट्यूब पर अभी भी हाउ टू यूज न्यूडिफाई एप्स जैसे कॉन्टेंट अवेलेबल है। रेडिट ने भी कुछ ऐसे वेबसाइट्स को बैन कर दिया जिन पर उन्हें शक था, बट एक्स अब भी फिगर आउट कर रहे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रेन हु ऑलरेडी फेस हैरेसमेंट इन रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड इवन वर्स फास्टर एंड अब्यूज ड्यू टू ऑनलाइन प्रेजेंस सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज लाइक AI। ये एक छोटा मोटा इशू नहीं है जो सिर्फ आपके और मेरे चाहने से हो जाए। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम सब लॉ मेकर से लेकर बड़ी बड़ी टेक कंपनी से लेकर इंडिविजुअली मैं और आप सबको मिलकर एक साथ खड़ा होना होगा। इट्स अ टफ बैटल बट चेंज विल ओनली कम व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर। अंटिल देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क टुवर्ड्स दीज थ्रेड्स एंड क्रिएट्स अ सेफर मोर रिस्पेक्टफुल डिजिटल एनवायरनमेंट। See you in the next episode.